सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। सतनाम दो अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है एक तत् है। ये मूल मंत्र है जो दास आपको देता है। जैसे इन कमलों में बैठे जितने भी देवता हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ के, तो हम अपने लोग को तभी जा सकते हैं जब हम यहाँ सब के नो डू सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्लियरेंस मिलेगी। हम इनके ऋणी हैं, तभी हम यहाँ बांध रखे इन्होंने। तो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है सात नाम का है। ये पहले पांच नाम का शुरू किया था परमेश्वर ने, धीरे धीरे आने वालों ने वो ख़त्म कर दिया, वो वैसे और नाम सेलेक्ट कर लिए। तो ये मूल मंत्र हैं। ये प्रथम मंत्र भी मूल मंत्र हैं और सतनाम भी मूल मंत्र है और सार नाम ये मूल मंत्र हैं। मूल मंत्र का अर्थ है, अब जैसे हम विष्णु जी के 1000 नाम बना रखे सहस्र नामा, और शंकर भगवान के बहुत से मंत्र बना रखे हम जिनका जाप किया करते थे लोक वेद के आधार से, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहे, ओ भैंसा राम भैंसा साहब, वो कते नहीं सुनेगा, अरे एक बार न्यू कर दे हुर्र, वो न्यू देखेगा। वो उसका मूल मंत्र है उस भैंसे का, वो विवश है उसके। तो ये मंत्र ये हमारे तक पहुँचे नहीं दिए न ज्ञानियों ने, अपने लोक वेद दंत कथा सुना के वो मंत्र देते रहे, ओम नमः शिवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह अटपट करते रहे। या सतनाम ओंकार अरंकार ये अटपट, ये कोई मंत्र है? ये है वो मूल मंत्र। इसी प्रकार ये सतनाम है, ये भी मूल मंत्र है। इनसे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ये शक्तियां। और तीसरा मंत्र है वो तो अनमोल मंत्र है, सारनाम जिसे कहते हैं। इसकी तो आज तक छीट भी नहीं लगने दी थी परमात्मा ने। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको परमात्मा ने सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा कर कि हमारा और काल का एक संघर्ष चल रहा है। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग की, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान जो दास साहब को बता रहे, ये है मूल ज्ञान। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, 33 अरब वाणी बोली, और मूल ज्ञान हमने गुप्ती रखा, ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं। आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की। तो उन वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहाँ से सतलोक से चल कर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्मा है, दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है। उसमें एक समुन्द्र की साखी आती है, यानी समुन्द्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। आंखें खोली आंखें बंद की तो समुन्द्र के किनारे खड़े हो गए, समुन्द्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में।
तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते जमीन पर। उसी समय नानक साहिब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, दो अक्षर का, और उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं और गुरु जी दो नाम का जाप अलग से है वो जाप कर रहे हैं। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया दो अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहिब जी जब करते हुए जा रहे थे, वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है, जो मैं कहूँ ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए, फिर वही वाहे गुरु कहने लग गया। तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्मा, उन महापुरुषों को शक्ति दाय थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं। और ये झटका देना भी जरूरी था क्योंकि नानक देव साहिब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था, उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम किता गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आना चाहिए, कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए जैसे मर्दाना डूब गया होता। तो पुण्यात्माओं, ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप करें उसी मंत्र का दो अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था। और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहिब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए, इन्होंने जो वाणी बोली ये परमात्मा की वाणी के तुल ही असर करती है। तो पूरे सिख समाज में वाणी का पाठ, भंडारे आदि उसी समय शुरू कर दे, वाहे गुरु जाप करते हैं।